वेलकम टू प्योर कुकिंग स्टूडियो में मैं टेस्टी सिरे पाई के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। थोड़े से टिप्स आप आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 1 किलो सिरे और पाई दोनों का गोश्त है। इसको मैंने अच्छे से भुना के धुला दिया है और अच्छे से आटा लगा के इसे साफ कर दिया है और धो के छन्नी में रखा था मैंने, ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और छोटी छोटी हड्डियाँ भी निकल जाए। अब ये सालन बनाएंगे। कुकर में मैंने 1/2 कप ऑयल गरम किया है, 1/2 कप यानी छोटे कप से नापा है, और 1 प्याज डालनी है, ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करेंगे। और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी अच्छे से गुलाबी हो जाए। देखिए, अभी अच्छे से फ्राई हो गई है प्याज। इसमें हम 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, गोश्त सिरे पाए मिला के 1 किलो है, तो उसके हिसाब से सारे ये मसाले हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का नहीं बना रही हूँ। देखिए, अच्छे से हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून लेंगे। मैं सारे मसाले एक साथ नहीं डालती हूँ हमेशा, आप जानते हैं। अब हमने जो छन्नी में रखा था, ये छन्नी में रखना ज़रूरी है, ताकि जो बो आती है अक्सर इसीलिए आती है कि वो जो पानी है हम लोग उसे डिस्कार्ड नहीं करते। अब हम ये सिरे पाए को अच्छे से भून लेंगे। फुल फ्लेम पर भूनना ज़रूरी है। नॉन वेज को जिस तरह से हम भून भून के बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इस बात का ख्याल रखिए। अब ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे फुल फ्लेम पर ही, और क्योंकि इसमें अदरक लहसुन है तो ये गोश्त चिपकेगा नहीं। अब देखिए, ये मसाले ऐड करेंगे 2 मिनट के बाद में। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और सॉल्ट यानी नमक टेस्ट के हिसाब से है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम इसको क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए, तो अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब हम इसको मसालों के साथ भी 20-30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो 3 ग्लास मैं अपने कुकर के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आपके कुकर में कितना पानी लगता है उस तरह से आप ज़्यादा डालिए, क्योंकि हम इसको 8 से 10 प्रेशर लगाएंगे, यानी 8 से 10 विजिल होने तक इसको पकाना है, क्योंकि ये गले हुए अच्छे लगते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा गले हुए अच्छे लगते हैं। अभी देखिए, प्रेशर रिलीज़ हो गया था, मैंने इसे खोल लिया है। ये पूरी तरीके से अभी गला नहीं है, क्योंकि हम इसमें दही के साथ भी इसे अब और प्रेशर लगाएंगे। तो दही मैं थोड़े से गाढ़े होने के लिए सालन को ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन दही डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और गाढ़ा होता है सालन। तो ये दही को हम मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था और अब दही के साथ भी मैंने 4-5 विजिल इसको लगा लिए हैं। अब आप देख सकते हैं, सिरे और पाए का गोश्त अच्छे से गल गया है। अब स्टोव की फ्लेम फुल कर देंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 ग्लास भर के मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का सालन मैं नहीं बना रही हूँ। अब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये 10 मिनट जब हम इसको पका लेंगे, देखिए अब ये गाढ़ा हो जाएगा और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा और गाढ़ा होगा। तो स्टोव की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दी है और अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये गरम मसाला पाउडर हैदराबादी गरम मसाला है, तो ये आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख लीजिए और यही ऐड कीजिए तो टेस्टी बनेगा, हैदराबादी टेस्ट आएगा मतलब। अब देखिए, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। हम इसमें खूब सारा कोथमीर यानी कोरिएंडर लीफ काट के ऐड कर देंगे और अब हम इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बना है ये सालन, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये सिरे पाए का सालन और मुझे इसकी पिक्चर शेयर कीजिए अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं। अब हम इसको नींबू डाल के सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। इसे रोटी के साथ में सर्व किया जाता है, चावल के साथ अच्छा नहीं लगता ये, तो रोटी के साथ में सर्व कीजिए नींबू डाल के। तो टेस्टी सिरे के सालन को ज़रूर एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।